फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं डीएम सीबीएस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि इस लॉकडाउन में आप लोग इस महामारी से बचते हुए अपने घरों पर सुरक्षित होंगे। मैं आज आप लोगों के लिए कक्षा फोर्थ और फिफ्थ की मैथमेटिक्स सब्जेक्ट लेकर आया हूं, जिसमें आप पढ़ेंगे नंबर्स यानी कि संख्याएं। संख्याएं फॉर एग्जांपल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इन्हीं से मिलकर के हमारी संख्याओं का निर्माण होता है। आइए आप सभी को मैथमेटिक्स के बारे में कुछ जानकारियां देते हैं, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे जो भी हैं वो ये जानते हैं कि हमें अगर मैथमेटिक्स पढ़ना है तो मैथमेटिक्स पढ़ने के साथ साथ हमें जीरो से लेके यानी कि जो हमारी गिनती है 1, 2, 3, 100 तक लर्न होना जरूरी है, और साथ में टेबल का आना 2 to 20 तक बहुत ही आवश्यक है। आज हम आपको नंबर्स के बारे में बता रहे हैं यानी कि संख्याओं का विस्तारित रूप, यानी कि संख्याओं का विस्तारित रूप। हम आपको कोई भी संख्या दी हुई हो, यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है संख्याओं का विस्तारित रूप। विस्तारित रूप दी हुई संख्याओं को हम विस्तारित रूप में कैसे लिखेंगे और विस्तारित रूप दी हुई संख्याओं को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। आइए देखते हैं, कोई संख्या दिया हुआ है जैसे कि 2 6, आपके लिए कोई भी संख्या आपको दे सकते हैं जैसे कि 879 फॉर एग्जांपल है ये। इसमें आप देखेंगे इनका विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे। इनका विस्तारित रूप लिखने के लिए हम पहले 8 को लिखेंगे, उसके आगे जितनी संख्याएं हैं उतने जीरो लगाएंगे, अर्थात इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यानी कि 800 प्लस 7, ये क्या है, वंस, टेंस और हंड्रेड, इकाई दहाई और सैकड़ा। ये दहाई मतलब 10 होता है यानी कि 70, उसके बाद प्लस 9, ये इसका विस्तारित रूप है। इसके आगे हम देखते हैं, इसके आगे जब पढ़ते हैं कोई भी संख्या ले लीजिए 4 डिजिट, 4 डिजिट में मतलब इसमें आ जाइए, तो वही चीजें इकाई दहाई सैकड़ा हजार वंस टेंस हंड्रेड 9000 4, उसके पीछे कितनी संख्याएं हैं, उसके पीछे 3 संख्याएं, तीनों को हम लिखेंगे प्लस 6 लिखेंगे, 6 के पीछे 1 2 दो संख्याएं हैं और डबल जीरो लगा देंगे प्लस उसके आगे 9 9 का स्थानीय मान होता है और 90 प्लस 7, ये है इसका विस्तारित रूप। इसके आगे जैसे जैसे आप का क्लास चेंज हो रहा है, संख्याओं का विस्तार बढ़ता जा रहा है, आप देखेंगे कि इसके आगे संख्याएं 3 डिजिट, फोर्थ में आप 3 डिजिट 4 डिजिट, उसके आगे आप 5 6 7, यानी संख्याओं का जो डिजिट नंबर है वो अनलिमिटेड हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और आपको ये चीजें जरूरी है जानना कि कैसे इसका विस्तारित रूप लिखा जाएगा। आप नोट कर सकते हैं, नोट यानी पेन और कॉपी आप लेकर के बैठेंगे और नोट करते रहेंगे ये चीजें। इसके आगे हम बढ़ते हैं कुछ और बड़ी संख्याओं के बारे में। इससे बड़ी संख्याओं को लिखते हैं हम, जैसे 7 9 6 5 8, इसको लिखेंगे हम वही फिर 7 1 2 3 1 2 3 4 4 0 प्लस 9, 4 0 के बाद प्लस 9, उसके पीछे 1 2 3 प्लस 6, 1 2 प्लस 5 0 प्लस 8, ये है हमारे इन संख्याओं का विस्तारित। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे इन संख्याओं का विस्तारित रूप बढ़ता जाएगा। इन्हीं संख्याओं को अगर हम संक्षिप्त रूप में लिखना चाहें तो इन्हीं को
अल्टरनेटिव ऊपर नीचे रख करके हम इसको फिर इसी तरह से संक्षिप्त रूप में ला सकते हैं। लेकिन यहाँ देखना ये है कि ये संख्याएं ये ऐसे क्यों हो रही है, इस तरह से कैसे लिखा जा रहा है, इनका स्थानीय मान है, ये स्थानीय मान के अनुसार इसको लिखा जा रहा है। इसके बाद देखते हैं संख्याओं के विस्तारित रूप में हम आगे बढ़ेंगे और बड़ी संख्याएं होंगी, जैसे जैसे आप क्लासेस चेंज होते जाएंगे आप आगे बढ़ते जाएंगे और आपका ये विस्तारित रूप और भी बढ़ता जाएगा। इसी तरह से हम ये चाहते हैं कि आपका ज्ञान और भी बढ़ता जाए। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं, इसमें हम दिखाते हैं कि इन संख्याओं के विस्तारित रूप में और बड़ी संख्याओं को कैसे लिखा जा सकता है। आइए देखते हैं, कोई और बड़ी संख्या लेते हैं, 8 9 7 0 5 8 6, इसको लिखते हैं विस्तारित रूप में। यहां से लेकर के पहले रेट लिख लेंगे 8, उसके पीछे 3 2 5 यानी 1 2 3 4 5, 5 0 ऐड करेंगे प्लस इसके पीछे हम 9 लिखेंगे, 9 इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख ठीक। उसके आगे हम बढ़ते हैं, क्लास 4 एंड 5, क्लास 4 एंड 5। अब देखते हैं प्लस इसके आगे जो देते हैं 7 है, तो 7 के पीछे 1 2 3 4 1 2 3 4 प्लस आपका आ जाएगा, 0 है 1 प्लस ये 0 के साथ साथ, ये नहीं 0 अकेले है तो 0 अकेले भी लिख सकते हैं, और उसके पीछे 3 है तो आप 1 2 3 यानी 4 प्लस 5 डबल 0, उसके आगे प्लस प्लस में जोड़ देते हैं 8 यानी 18 प्लस 6। ये है हमारा स्थानीय मान के अनुसार संख्याओं का विस्तारित रूप। इसके आगे जैसे संख्या बढ़ती जाएंगी हमारा ये विस्तारित रूप और भी विस्तार होता जाएगा। आइए देखते हैं इस विस्तारित रूप को संक्षिप्त रूप में कैसे लिखते हैं। फर्स्ट टाइम इसके नीचे हम ये लिखते हैं, देखिए 9 1 2 3 4 ये संख्या ऐड करते हैं, उसके पीछे ये 7 1 0 इसमें और ऐड कर दीजिए, 1 0 कम हो गया, 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सही है ये, और ये देखिए 1 2 3 4 5 उसके नीचे प्लस 500 प्लस 18 एंड प्लस 6 सबको ऐड करेंगे तो वही संख्या 6 8 5 0 7 9 और 8। ये है इसका संक्षिप्त रूप, ये है संक्षिप्त रूप। अब देखते हैं कि ये संख्याएं प्राप्त कहां से हुई, हमें आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा टॉपिक आपका आता है संख्याओं का स्थानीय मान, यानी कि प्लेस वैल्यू एंड रियल वैल्यू। दो संख्याएं होती है दो तरह की, यानी कि वास्तविक संख्याएं और देख लीजिए रियल वैल्यू, रियल वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, यानी कि स्थानीय मान और वास्तविक मान, इनका डिग्री होता है स्थानीय मान और वास्तविक मान।
अनुसार उनका वैल्यू यानी मान और वास्तविक मान उनका रियल वैल्यू जो होता है कि उन संख्याओं की वैल्यू क्या है उस तरह से देखेंगे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल में कोई संख्या है, इन संख्याओं में सभी संख्याओं का स्थानीय मान देखिए कैसे निकालते हैं। 6 इनटू इकाई का स्थान है तो 1 से मल्टीपल करेंगे इक्वल टू हो जाएगा 6 बन जा 6। नेक्स्ट है 7, 7 का जो स्थान है प्लेस वैल्यू है वो 7 इनटू क्या है इक्वल टू 17। नेक्स्ट है 9, 9 का प्लेस वैल्यू 100 इक्वल टू 900। एंड 8 का जो आपका प्लेस वैल्यू है वो 8 ऑप्शन है यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा 8000। सो इस तरह से हम देखते हैं कि संख्याओं का स्थानीय मान निकल के आ गया। इन्हीं संख्याओं को हम विस्तारित रूप में लिखते हैं और ये हमारा क्या हो जाता है स्थानीय मान। नेक्स्ट होता है इसी इन संख्याओं का जो वास्तविक मान है ये हो गया स्थानीय मान, ये हुए इनका स्थानीय मान। और इधर आ गया 6, 7, 9, 8 ये हो गया इनका वास्तविक मान, वास्तविक मान। इन संख्याओं का ये हो गया वास्तविक मान। अब किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालना हो, चाहे वो एक संख्या का हो, चाहे दो संख्या का हो, चाहे चार संख्या का हो, या पूरी संख्याओं का स्थानीय मान निकालना हो, तो आप बड़े आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं। कोई पूछता है आपसे कि दी हुई संख्या में 6 का वास्तविक मान क्या है, तो 6 का वास्तविक मान वही होता है जो लिखा होता है, यानी 6 है तो 6 होगा, 7 है 7 है, 8 होगा तो वही 8 ही होगा, और 9 है 9 होगा, जो संख्या लिखी होगी वही संख्या बता देंगे, इसका वास्तविक मान वही होगा। स्थानीय मान उसकी इकाई दहाई सैकड़ा हजार वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड के अनुसार आप रिकॉर्डिंग यानी कि लिख सकते हैं आप, जैसे कि दी हुई है आपके सामने। नेक्स्ट देखें हम, आइए आगे बढ़ते हैं। कोई भी संख्या दी हुई हो अगर उसमें पूछा जाता है कि संख्याओं में दी हुई संख्याओं में कुछ संख्याओं का स्थानीय मान निकालना है, जैसे कि देखिए 8, 9, 7, 6, 5 इन संख्याओं में सिर्फ 9 का स्थानीय मान निकालना है और 6 का स्थानीय मान और वास्तविक मान निकालना है, तो हम निकालते हैं इस तरह से 6 इंटू 1 10 इक्वल टू 60 एंड 9 इंटू 1 10 100 and 1000 में हम आएंगे 1000 यानी कि 1000 से और ये हो जाएगा हमारा 9000। इस तरह से दी हुई संख्याओं का स्थानीय मान निकालेंगे, प्लस में हम इसका वास्तविक मान भी बता सकते हैं कि 6 का स्थानीय मान 6 होगा, यानी 6 का स्थानीय मान 6 का वास्तविक मान 6 ही होगा एंड 9 का वास्तविक मान 9 ही होगा। सो आगे बढ़ते हैं। इस तरह से कितनी भी बड़ी संख्या हो और उसको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, उसमें से दी हुई संख्याओं के नीचे जीरो का निशान लगाएंगे और इस तरह से निकालते हैं। ये समझने में बहुत ही आसानी होती है और देखने वाला भी जानता है कि अच्छा लिखा हुआ है या सुलझा हुआ विद्यार्थी हमारा है। तो जाहिर है कि आपके समझ में आया होगा स्थानीय मान, और ना समझ में आया हो तो पूरा एक बार रियल वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। रियल वैल्यू संख्या का मान वही होता है, 1 है तो 1 होगा, 2 है तो 2 होगा, 6 है तो 6 ही होगा, यानी कि जो संख्या का नाम है वही संख्या का वास्तविक मान है। स्थानीय मान उनके स्थान के हिसाब से, स्थान के अनुसार वंस टेंस
हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड लैक्स टेन लैक्स इसके हिसाब से हम इसके अकॉर्डिंग हम उसको लिखेंगे जिस तरह से आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ। सो आगे बढ़ते हैं इसमें और बड़ी संख्याओं को चाहे जितनी बड़ी संख्याओं को लेना हो तो हम उसमें आगे ऐड करते जाएंगे। अब इसमें आता है दूसरा टॉपिक, नेक्स्ट है दूसरा टॉपिक आता है संख्याओं को पढ़ना यानी कि संख्याओं को शब्दों में लिखना। अब दोस्तों संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए आपको सबसे पहले हिंदी को बिना देखे लिखना आना चाहिए। अगर आपको बिना देखे हिंदी लिखना नहीं आता है तो आप संख्याओं का नाम हिंदी में नहीं लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपका दूसरा टॉपिक है संख्याओं का संख्याओं को शब्दों में लिखना। संख्याओं को शब्दों में लिखना, कोई भी संख्या दी हुई हो उसको हम संख्याओं में कैसे लिख सकते हैं, संख्या को शब्दों में कैसे लिख सकते हैं। जैसे दिया हुआ है 68, इसको हम लिखेंगे 68 को, यानी कि हिंदी में पढ़ा जाता है 68, 68 में लिखेंगे हम अड़सठ लिखेंगे, और अंग्रेजी में लिखा जाएगा आगे बढ़ते हैं इसी तरह से और भी थ्री डिजिट संख्या नंबर्स लिखते हैं हम 789 789 इन संख्याओं को हम आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि इनको शब्दों में कैसे लिखा जाएगा। तो इकाई दहाई सैकड़ा यानी 700 है यानी 700 है तो इसको हम लिखेंगे शब्दों में 789 789 फोर डिजिट इसको लिखेंगे 8976 यानी 8976 8976। इसके आगे और बड़ी संख्या लेते हैं हम इसको लिखेंगे 97,600 654 तो बच्चों आगे बढ़ने से पहले इन संख्याओं को सही से हम नोट करते चलेंगे और देखेंगे चाहे वो वन डिजिट हो या टू डिजिट हो या थ्री डिजिट हो या फोर डिजिट हो चाहे जितने डिजिट की संख्याएं हो अगर आपको शब्दों में लिखना आता है हिंदी लिखना आता है तो हम उनको इस तरह से लिखते जाएंगे और ये अंग्रेजी में भी लिखते जाएंगे। शॉर्ट प्लेस इसलिए हम अंग्रेजी में नहीं लिख रहे हैं और आप लोग जब बढ़िया से पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा कि हिंदी लिखना आएगा तो आप शब्दों में लिखेंगे और इन्हीं दी हुई संख्याओं को शब्दों में अगर लिखा है तो हम उसको कैसे अंकों में लिखेंगे ये आगे देखते हैं कि दी हुई संख्याओं को अंकों में कैसे लिखते हैं।
ये हो गया, देख लीजिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों को, किसी भी संख्या को अंकों में लिखना, अंकों में लिखना। शब्दों में लिखी हुई संख्याओं को अंकों में कैसे लिखा जाता है, उन संख्याओं को पहले हम देख लेते हैं। पहले फॉर एग्जांपल में है कोई संख्या लिखा है जैसे 769, 769, 769 को हमें अंकों में लिखना है, तो 769 को हम 7 लिखेंगे यानी 7 लिखेंगे और 69, 769 ये हो गया। नेक्स्ट है आपका 5,889। इसको शब्दों में देखिए कैसे लिखा गया है और इसको हम अंकों में कैसे लिखते हैं। लिखा है 5,000 यानी कि 1,000 की वैल्यू दी हुई है, 800 यानी कि सैकड़ा भी दिया हुआ है और 89 तहाई और इकाई भी दिया हुआ है। तो 5,000 यानी कि 5,889 ये है आपका अंकों में। अगली संख्या है, कोई भी संख्या लेते हैं। नेक्स्ट है उन्यासी हजार तिरसठ। इसमें है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि 79,063 में कौन सी संख्या दी गई है, कौन सी संख्या नहीं दी गई है। 1,000 दिया हुआ है, 10,000 दिया हुआ है, उसके बाद दहाई और इकाई दिया गया है। तो 79,079 उसके पीछे है, तो दोस्तों आज हम लोगों ने पढ़ा संख्याएं यानी नंबर्स, उनका स्थानीय मान, उनकी वैल्यू, प्लेस वैल्यू, रियल वैल्यू, संख्याओं का विस्तारित रूप और संख्याओं को शब्दों में लिखना, संख्याओं को अंकों में लिखना, इन सभी को आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। और नेक्स्ट डे पर हम अगले पार्ट में आप लोगों को चैप्टर वाइज, एक्सरसाइज वाइज सारे क्वेश्चंस कराते चलेंगे और आप मेहनत से घर पे पढ़ते रहें, नोट बनाते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।